नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, मिर्च के पौधे पे ढेर सारी फ्रूटिंग कैसे लें, मिर्च के फूल गिर जाते हैं तो उन्हें कैसे बचाएं, और हमें पौधे पे ढेर सारी मिर्च कैसे मिले, इसके लिए ये वीडियो है। अगर आप भी मिर्च के पौधे पर ढेर सारे फल लेना चाहते हैं, ढेर सारी मिर्चियाँ लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, मिर्च के पौधे को फास्फोरस से भरपूर मिट्टी चाहिए मिर्च बनाने के लिए। तो हमें अपनी मिट्टी की जो पौष्टिकता है उस पे ज़्यादा फोकस करनी है कि हम उसे फास्फोरस की कमी ना होने दें, ताकि मिर्च हमारी पौधे में बनती रहे। आप देख सकते हैं मेरे इतने से छोटे से पौधे में कितनी सारी मिर्च लगी हुई है, और आप देखिए इसकी स्टेम जो है कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारे पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है, उसके मेन तीन चार रीजंस होते हैं, जिसको हम पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको कंपोस्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके पौधे में मिर्च अधिक से अधिक बने। दोस्तों, जो पहली समस्या होती है फ्लावर ड्रॉप होने की, वो होती है मिट्टी में पानी अधिक होना। दोस्तों, जब पानी अधिक होगा मिट्टी में तो फ्लावर हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी वाटरिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा वाटर हमें अपने पौधे में मिट्टी में नहीं डालना है। और दूसरी चीज़ें होती है दोस्तों, कि हमें इसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए थोड़े टाइम अंतराल पे, जिससे कि हमारे पौधे को एयर मिलती रहे। रूट्स को जब एयर मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन एयर मिलेगी, तो उसकी रूट की ग्रोथ अच्छी होगी, और रूट की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारा पौधा भी हेल्दी होगा। तो इस प्रकार हमें गुड़ाई कर लेनी है। दूसरा दोस्तों, कि कुछ वायरस होते हैं, डिजीज़ होते हैं, जैसे मिर्च के पौधे में एक मरोड़िया रोग होता है, इंग्लिश में बोलें तो लीफ कर्ल होता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जो भी फ्लावर्स होते हैं वो सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर आप देखिए इस प्रकार से, अगर आपके पौधे में, मैं आपको दिखाता हूँ कि मरोड़िया रोग कैसे होता है। जैसे कि ये पौधा है दोस्तों, देखिए इसमें रोग आ जाने के कारण से इसकी ग्रोथ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो अगर आपके पौधे में ऐसी कोई डिजीज़ आ रही है तो आप इससे दो तरह से बच सकते हैं। एक तो आप अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के इस पर स्प्रे कीजिए, और हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे कीजिए, जिससे ये पुरानी जो पत्ते हैं ये गिर जाएंगे और नए जो पत्ते आएंगे वो फ्रेश होंगे। या फिर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, जहाँ से डिजीज़ है वहाँ से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, तो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो फ्रेश निकलेंगी। तो दोस्तों, ये तीसरी चीज़ होती है जिससे हमारे फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं। चौथी, कि हमारी मिट्टी में जब फास्फोरस की कमी होती है, पोटेशियम जो एनपीके होता है उसमें फास्फोरस जो होता है वो फ्लावर्स और फ्रूटिंग के लिए ही होता है। तो जब फास्फोरस की कमी होती है तो फ्लावर्स तो आ जाते हैं पर वो फ्रूट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी कंपोस्ट यूज करनी चाहिए? आप बोन मील यूज कर सकते हो। बोन मील नहीं यूज करना चाहते हो तो आप रॉक फास्फेट यूज कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट फास्फोरस मिल जाती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी वर्मी कंपोस्ट है और ये फास्फोरस है, सॉरी रॉक फास्फेट है। मेरे पास चूंकि फास्फोरस भी है, पर फास्फोरस बहुत कम मिल पाता है लोगों को, तो मैं इसलिए फास्फोरस की जगह रॉक फास्फेट ही बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना चाहिए। आप लीजिए काउडंग कंपोस्ट इस प्रकार, आप लीजिए इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको अवेलेबल हो आपने, और इसमें एक मुट्ठी के आसपास आप रॉक फास्फेट मिला लीजिए। इस प्रकार से इसको अच्छे से मिला लीजिए, और जो पौधे की मिट्टी है गमले की, इसको थोड़ी सी रूट्स, जो नीचे फीडिंग रूट्स होती है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं,
फीडिंग रूट्स कैसी होती हैं पौधे की, ये देखिए ये जो रूट्स दिख रही हैं आपको, ये पौधे की फीडिंग रूट होती है। तो जब ये रूट आपको दिखाई देने लग जाए, उतनी मिट्टी आप पौधे की ऊपर चढ़ा लीजिए, इस प्रकार से गोल कर लीजिए, और चारों तरफ से पौधे के ये जो हमने कंपोस्ट तैयार किया है इसको पौधे में डाल देना है। इस कंपोस्ट को आप इस प्रकार से डाल के, और फिर जो मिट्टी हमने ऊपर चढ़ाई थी उससे वापस से ढक देना है उस कंपोस्ट को। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी कंपोस्ट हमने दी है वो डायरेक्ट रूट तक पहुंच गई है, और जब इसमें हम हल्की वाटरिंग करेंगे तो ये कंपोस्ट हमारे रूट्स को मिलेंगी, और वो हमारे मिर्च में मिर्च बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों ये तरीका होता है जिससे हम अपने छोटे से पौधे पे ढेर सारी मिर्च प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एक दो और ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब मिर्च में आपके फ्लावर्स आ रहे हों तो आपको पानी की मात्रा कम कर देनी है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा अधिक होगी तो फ्लावर्स झड़ जाएंगे और आपके मिर्च में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो पानी की मात्रा कम कर दीजिए, और मिर्च के पौधे को धूप कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे मिलनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखिए, और ये जो कंपोस्ट मैंने आपको दिया ये कंपोस्ट आप अपने पौधे में यूज कीजिए। 100% आपको गारंटी है कि मिर्च आपके पौधे में इतने आएंगे कि आप उसे गिन भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।